एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर। लेट्स चेक आउट द नॉलेज विद टुडेज क्वेश्चन। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो द आंसर इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में होते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर कोई रिएक्शन हुआ है दैट मीन्स कुछ प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करेंगे एंड फाइनली कुछ हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक ये रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो ए और बी ये क्या है, आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो ए और बी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और हमें मिल क्या रहा है, फाइनली रिएक्शन के बाद केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड फाइनली वी गॉट सी एंड डी। तो सी और डी हमारे आउटपुट हैं, यानी कि प्रोडक्ट हैं। तो इतना क्लियर हो गया, एसिड और बेस जो है दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं, क्योंकि ये दे आर रिएक्टिंग एज अ केमिकल रिएक्शन इनके बीच में हो रहा है और इसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज सॉल्ट एंड वाटर। दैट मीन्स जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, यस वेरी वेल डन, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यहाँ पर, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा क्या, सॉल्ट मिलेगा। उस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और वाटर मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है। तो ये ध्यान रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है। अगर हम एक बीकर में एसिड और बेस को हम डालें तो होगा क्या, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। साथ ही साथ ये जो आपको दिख रहा है, जो हमारा एपरेटस है, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा अगर हम इसे टच करेंगे। दैट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन हुआ है।